हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब। आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन कोफ्ते, जो कि हैं लौकी के कोफ्ते। देखिए कैसे बनाते हैं। हमें उसमें चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टोमेटो का पेस्ट, हमें बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नींबू, खड़ा गरम मसाला, पीसा गरम मसाला और धनिया, और धनिया पुदीना और सोया सॉस और हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और नमक। देखिए ये हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और उसका पानी हमने सुखा दिया था। अब उसके अंदर हम डालेंगे कम से कम हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके अंदर हम मिलाएंगे अब ये जो धनिया पुदीना हमने लगभग एक कटोरी काट कर मिक्स कर लिया है उसे हम मिला देंगे लौकी के अंदर। ये देखिए आधा हम अभी इसमें यूज़ कर लेंगे और आधा फिर जब हम थोड़ा सा बचाएंगे लास्ट में डालने के लिए ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये हमने बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी इसके अंदर। एक बारीक प्याज काटी है हमने और एक हरी मिर्च। ये देखिए हमने आधी टी स्पून हल्दी और एक टी स्पून लाल मिर्च डाली है इसके अंदर। ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे लाल मिर्च को। आप चाहें तो, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद हो तो आप थोड़ी और लाल मिर्च डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं हम चम्मच की हेल्प से, लाल मिर्च, हल्दी और पुदीने को अच्छे से ऊपर से ही सिर्फ। आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर। अब हम डालेंगे एक नींबू, आधा कटा हुआ नींबू हम इसके अंदर डालेंगे, नींबू का जूस। ये हमने एक कटोरी बेसन लिया है लौकी के कोफ्ते में, ये हम बेसन डाल देंगे उसके अंदर एक कटोरी। और फिर अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये देखिए हमने एवरेस्ट का मीट गरम मसाला यूज़ किया, आप कोई सा भी सादा यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डालिए, आपको जिस तरह का टेस्ट पसंद है। ये अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे पूरा, और इसके अंदर हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे बैटर को। और बिल्कुल उसमें हल्का सा भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लौकी ऑलरेडी इतना पानी छोड़ती है कि उसमें बिल्कुल पानी मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पेस्ट के हमने गोल गोल गोले बना लिए। इस तरह से कोफ्ते बना लें और डबल बॉयलर में स्टीम दे दें उसको, या आप बफा लें या स्टीम करेंगे अपन उसको। पानी अच्छे से डालिए नीचे के बर्तन में जिसमें हम पानी डाल रहे हैं, और एक तरफ हम मसाला तैयार करते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं उसकी। देखिए एक पैन में हमने खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा और प्याज फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। ये देखिए जब तक हमारी प्याज गोल्डन हो जाती है उसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्थर फूल, हमने डाला है बाद में खुशबू के लिए ताकि वह जले नहीं। अब ये देखिए हमने जो ऑनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट जो पीस के रखा था, एक कटोरी हमने कम से कम 2 प्याज बड़ी काट के डाली है इसके अंदर, पीस कर डाली है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून ऐसे मिक्स किया है, उसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हम पहले ऑनियन को फ्राई भूनेंगे अच्छे से, ये लाइट ब्राउन होने लगेगा जब तक हमें इसे भूनना है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी 1/2 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च, और अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे मसाले को। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया हम बाद में डालेंगे ताकि वो एकदम चिपके नहीं, और जब हमारे सारे मसाले भून जाए तो हम उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने 2 टमाटरों का पेस्ट पीस के रखा है, और 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच नमक। और अब ये हमारे कोफ्ते बफ चुके हैं। देखिए अब ये हम ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए इसको चम्मच से हिलाइए ताकि ये कोफ्तों में सारे जो ग्रेवी के मसाले हैं वो उतर जाएं। जब ये अच्छे से भून जाए मसालों के अंदर तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए लगभग हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब हम इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना जो हमने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा बचाया था वो उसके ऊपर डालेंगे सर्व करने के लिए, खुशबू के लिए। ये देखिए हमारा लौकी के कोफ्ते तैयार हैं। आप इसे चाहें तो लच्छे पराठे के साथ सर्व करिए, आप चाहें तो राइस के साथ, और आप चाहें तो सादे पराठों के साथ, बट ये पराठे के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। आइए हम इसे आज लच्छे पराठों के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए देखने में कितना लजीज लग रहा है, और बिल्कुल रेडिश रेडिश, ओहो मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है।
अगर आपका भी खाने का मन कर रहा है तो आप भी इस वीडियो को देखिए और अपने घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।